Hey guys, welcome to my YouTube channel, The Medical Learning. I am Swati Pandey और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ. आज का वीडियो स्पेशली सेकेंड ईयर BHMS स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल पैथोलॉजी. जितने भी जनरल पैथोलॉजी में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पेपर में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड ऑल्सो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमें सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट जब बात एग्जामिनेशंस की आती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की आती है, तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफ़र करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. एंड ऑल्सो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मैं कोई भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. गाइज, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं वो टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज ऑथर हर्ष मोहन, 8th एडिशन, इसे रेफर किया है. और साथ में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें मैंने रेफ़र किया है, एनालिसिस किया. और उसके बाद मुझे जितना भी इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, फिर मैंने इस वीडियो को बनाया वो सारे क्वेश्चंस लेकर. गाइस, जो मैंने अभी टेक्स्ट बुक आपको बताई पैथोलॉजी हर्ष मोहन की, वो बुक में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो मैंने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया, दैट इज़ सेलुलर अडेप्टेशन एंड सेल इंजरी. इसमें अट्रोफी, ये इसमें से स्पेशली पैथोलॉजिक अट्रोफी आता है 5 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट इज हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, डिसप्लाजिया, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं. नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसे डीजेनरेशन भी बोलते हैं, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें आपको हाइड्रोफिक चेंजेस, हलाइन चेंजेस, म्यूकॉइड चेंजेस, फैटी चेंजेस, ये चारों चेंजेस आपको मेंशन करने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली हलाइन चेंजेस आता है 5 मार्क्स के लिए अलग से. नेक्स्ट इज हाइड्रोफिक चेंजेस, रेयर क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं आया एग्जाम में, बट प्रिपेयर करके रखें. नेक्स्ट इज फैटी लीवर, रिपीटेड क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज नेक्रोसिस फॉर 10 मार्क्स. गैंग्रीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स. नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लेमेशन. ये इन्फ्लेमेशन का जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर 20 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप न करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर. इसमें से आप एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स 10 मार्क का क्वेश्चन, केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन 5 मार्क क्वेश्चन, ग्रैनुलोमा 5 मार्क क्वेश्चन, अगेन हीलिंग ऑफ स्किन वुंड, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें से स्पेशली हीलिंग ऑफ सेकेंडरी इंटेंशन रिपीटेड आया है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट चैप्टर इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज ऑल्सो फॉर 20 मार्क क्वेश्चन. डेफिनेशन, इसमें से इम्यूनिटी का करना है और डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फॉर 20 मार्क्स. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज़ क्वेश्चन ऑल्सो फॉर 20 मार्क्स. नेक्स्ट इज एमाइलॉयडोसिस, ये भी रेयर क्वेश्चन है बट आ सकता है, प्रिपेयर करके रखें. नेक्स्ट चैप्टर इज डीअरेंजमेंट ऑफ हीमोस्थेसिस एंड हीमोडायनेमिक. ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. जैसे इन्फ्लेमेशन में थे वैसे ये चैप्टर में से कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें. 20 and 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से. इडीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन शॉक, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फ्रैक्शन, सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट इज नियोप्लाजिया, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स. डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर 10 और 5 मार्क्स के लिए आता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू.